बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये FSC फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स 2.1 हमने एक्सरसाइज किया था। उसके बाद हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किए थे कि वेन डायग्राम क्या होता है और उस पर हम किस तरह वेन डायग्राम अप्लाई होता है शीट्स पे। ये तमाम डिस्कशन हमने की थी लास्ट क्लास में। अब उस पर हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है और एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर वेन डायग्राम के हवाले से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कि A इज़ द पावर सेट ऑफ B एंड ड्रा इट्स वेन डायग्राम। मतलब A पावर सेट है B का। इसका मतलब ये हुआ कि जो B का सेट है वो बड़ा है और A का सेट छोटा है। मतलब इसका ये हुआ कि सेट B में सेट A के तमाम जितने भी हिंस है सेट A में मौजूद है वो सेट B में है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट A आपके साथ लेट्स सपोज 1, 2, 3 है, लेकिन सेट B है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। मतलब सेट B के अंदर सेट A के तमाम कंपोनेंट्स है। तो इसके बाद इससे हम ये कह सकते हैं कि सेट A इज़ द पावर सेट ऑफ सेट B। तो इसका वेन डायग्राम आपने ड्रा करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप A का वेन डायग्राम, कोई A का वेन डायग्राम आप ड्रा करें या B का पहले ड्रा करें, डिपेंड आप पे करते हैं कि आपने फर्स्ट A को ड्रा करना है या B को ड्रा करना है। तो आप क्या करोगे, ये यूनिवर्सल सेट को एक ड्रा करोगे। मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर A के भी तमाम के तमाम कंपोनेंट्स होंगे, B के भी तमाम के तमाम कंपोनेंट्स होंगे। यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है A और B से, या दोनों में जो बड़ा सेट होता है उसके बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर A में 1, 2, 3 कंपोनेंट है, B में 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में A और B के दोनों में मौजूद कंपोनेंट्स से ज़्यादा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक भी हो सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट एक मैक्सिमम ऐसा सेट है जिसके सेट के अंदर A और B दोनों आते हो। तो A का अगर मैं ड्रा करूँ तो A का वेन डायग्राम हो गया यूनिवर्सल सेट में, तो A के कंपोनेंट्स होंगे, A के तो हिंसे होंगे। तो ये सेट है, लेट्स सपोज 1, 2, 3 है यूनिवर्सल सेट के अंदर। A का आप इस तरह एक सर्कल ड्रा करोगे और उसको शेड करोगे। शेड का मतलब कि ये सेट A को रिप्रेजेंट करता है। मैंने सेट A को इधर सोल्यूशन में थोड़ा छोटा ड्रा हुआ है। सेट B को आप ड्रा करोगे, सेट B के भी तमाम कंपोनेंट्स यूनिवर्सल सेट U में मौजूद है, लेकिन सेट B को थोड़ा बड़ा ड्रा किया हुआ है। बड़ा ड्रा करने से मुराद के सेट A पावर सेट है B का ना, मतलब कि B के अंदर A के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद है। तो A से आप B को थोड़ा बड़ा ड्रा करोगे, उसको शेड करो, तो ये आपका क्या हो गया, सेट B हो गया। अब देखो, अगर आपने A यूनियन B फाइंड करना है वेन डायग्राम के जरिए से, तो A और B का यूनियन किस तरह होगा। मतलब A और B का अगर आप यूनियन ड्रा करोगे तो आप सबसे पहले A के A और B में मौजूद तमाम कॉमन हिंसे लिखोगे। तो ये सेट A छोटा है, आप थोड़ा सेट B भी ड्रा करोगे, तो सेट के A छोटा है, सेट B बड़ा है। मतलब लेट्स सपोज सेट A के हिंसे 1, 2, 3 है और सेट B के हिंसे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो आप A और B का अगर यूनियन फाइंड करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका यूनियन हो गया। तो मतलब सेट B आपने बड़ा ड्रा किया और सेट A उसके अंदर ड्रा करोगे, क्योंकि सेट A पावर सेट है किसका, B का, सेट A छोटा है। तो ये वाला जो वेन डायग्राम है A यूनियन B शो कर रहा है और A इंटरसेक्शन B शो कर रहा है ये वाला। देखो, ये डायग्राम A और B के में मौजूद जो कॉमन हिंसे हैं ये उसको शो कर रहा है, ठीक है। ये छोटा वाला A को शो कर रहा है और ये बड़ा वाला जो है ये सेट नंबर B को शो कर रहा है। सेट नंबर B तो बड़ा है और उसके अंदर यूनियन में तो सारे हिंसे आते हैं, लिहाजा तमाम को शेड किया हुआ है। इंटरसेक्शन में 1, 2, 3 हिंसे आएंगे। लेट्स सपोज सेट A आपके पास 1, 2, 3 है और सेट B आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो सिर्फ A के कंपोनेंट 1, 2, 3 इंटरसेक्शन में आते हैं ना। जो इंटरसेक्शन में हिंसे आएंगे वही हम शेड करेंगे। इसका मतलब ये बाकी जो वाइट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सेट B है, सेट B के कंपोनेंट्स है, लिहाजा वो इंटरसेक्शन में नहीं है, कॉमन नहीं है दोनों में, लिहाजा इसको शेयर नहीं करोगे। तो ये आपका सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सर, आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सेम एस A की जगह B लिख दे, मतलब इस B को इधर लिख दे, A को इधर लिख दे, इसको B का नाम दे दे, इसको A का नाम दे दे, A इंटरसेक्शन, बस बाकी सेम है ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मसला है, इन लोगों ने फास्ट लिखा हुआ। अच्छा, अब इधर क्वेश्चन नंबर आई वी में A एंड B आर डिसजॉइंट। मतलब A और B डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब उसके अंदर कोई भी कॉमन हिंसा नहीं है। A और B दो ऐसे स्ट्रिट्स हैं जिस स्ट्रिट्स के अंदर कोई भी कॉमन हिंसा नहीं है। लेट्स सपोज A के ये हिंसे हैं, इसको मैंने इधर ड्रा किया, लेट्स सपोज A 1, 2, 3, 4, 5 है, और B को मैंने इधर ड्रा किया, लेट्स सपोज B है 6, 7, 8। तो दो स्ट्रिट्स हैं, सेट A को भी मैंने इधर ड्रा किया, सेट B को भी ड्रा किया। अब देखो, A यूनियन B आप फाइंड करोगे ना, तो A यूनियन B को आप इस तरह फाइंड करोगे। देखो, अगर आप A यूनियन B फाइंड करोगे दोनों सेट A और सेट B का, तो ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, ना इंटरसेक्शन में हिंसा आ रहा है और A यूनियन B में, ना यूनियन में इसका कोई हिंसा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हो गया, डिसजॉइंट हो गया। डिसजॉइंट सीट मतलब, इसको मैंने आपके अगर लेक्चर को खोले तो इस एक्सरसाइज से पहले जो मैंने आपको वो कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि A यूनियन B कब डिसजॉइंट होंगे, कब ओवरलैप होंगे। तो ये अभी एक डिसजॉइंट का एग्जांपल है। तो आप डिसजॉइंट को मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जॉइंट ही नहीं कर रहा, उसकी एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई थी। अगर आप उसको देखें तो आप इस पे अप्लाई करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन में तो कोई हिंसा भी नहीं आ रहा, तो ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन है, देखो ये जो डायग्राम है ये आपको एम्प्टी सेट शो कर रहा है। एम्प्टी सेट मतलब कि A और B का जो होगा वो एम्प्टी होगा। A और B का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, अगर दोनों ओवरलैपिंग हो मतलब लेट्स सपोज ये ए है ये बी है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले एक्सरसाइज भी उस लेक्चर के हवाले से ये एक्सरसाइज है। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ए ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो इस तरह ए और बी का ए सेट ए है ये सेट बी है, इसका कुछ पोर्शन क्या है ये वाला ओवरलैप कर रहा है। और ए इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ए में भी हैं से है बी में भी हैं से है, लेकिन जो हैं से इंटरसेक्शन से जो सेट आता है लेट्स सपोज ए में एक दो तीन हैं से है बी में तीन चार पाँच है, तो तीन एक हिस्सा एक दो तीन ए के हैं और तीन चार पाँच बी के हैं, तो ए सेट ए सेट बी, लेकिन ये वाला हिस्सा आप शेयर करोगे क्योंकि सिर्फ तीन इसमें काम होगा, ए ए इंटरसेक्शन बी से जो सेट आता है उसका यही वेन डायग्राम है। ठीक है, तो वेन डायग्राम पे आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, लेक्चर फर्स्ट अगर आप निकाले तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझ दी बोर्ड पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू को देखो, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए और बी टू ए और बी ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज ए है ये बी है, ए माइनस बी से क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो सेट आएगा, ए के कुछ हिस्से से बी को माइनस करोगे तो आपके साथ एक सेट आएगा, उस सेट के रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम से ये है। लेट्स सपोज ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए का कुछ हिस्सा बी का कुछ हिस्सा ए से माइनस करोगे। ठीक है, तो ये जो वाइट आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है आपके साथ, ए से हमने बी का कुछ हिस्सा क्या किया हुआ है, माइनस किया हुआ है, और ये जो सेट है ये ए माइनस बी को शो कर रहा है। लेट्स सपोज ए आपके पास है एक दो तीन चार पाँच, बी आपके पास है चार पाँच, तो ये वाला जो सेट है ए माइनस बी, तो अगर आप ए से बी को माइनस करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक दो तीन चार पाँच से अगर आप तीन चार पाँच माइनस करोगे तो रिजल्ट में आपके साथ एक दो तीन आएगा ना, ए अगर एक दो तीन चार पाँच है और बी आपके पास चार पाँच है तो रिजल्ट में आपके साथ ए माइनस बी क्या आएगा, एक दो तीन आएगा ना बी सेट हमने में, तो ये वाला जो है ये एक दो तीन को शो कर रहे हैं और ये जो है से है चार पाँच जो माइनस हुए हुए हैं ये शो कर रहे हैं। इस तरह बी से आप अगर ए को माइनस करना है तो ये आपके साथ बी माइनस ए का वेन डायग्राम आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर टू था। क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आप खुद इसको ऑलरेडी स्टडी करें, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इफ ए इज़ अ पावर सेट ऑफ ए और बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए यूनियन बी इक्वल टू इफ ए, हाँ ए यूनियन बी कब ए के बराबर होगा, जब बी क्या होगा पावर सेट होगा ए का। ठीक है, या बी आपके पास एम पी सेट होगा तो ए यूनियन बी ए के बराबर आएगा। ठीक है, अगर बी आपके साथ जीरो सेट है और ए दो तीन है तो ए यूनियन बी से वही ए सेट आएगा ना, ये आप खुद स्टडी करें बहुत आसान चीज़ें, ए यूनियन बी कब बी के बराबर हो गया, जब ए पावर सेट हो बी का, मतलब ए के तमाम हिस्से बी में मौजूद हो या ए आपके पास जीरो सेट हो, तो ये कंडीशन होगी। ये कब होगी, ये कब होगी, बहुत आसान चीज़ है, ये बच्चों की तरफ 9th में जब मैं पढ़े होंगे ये कब इसके बराबर होगी, ये बिल्कुल आप खुद स्टडी करें। अब क्वेश्चन नंबर फोर, अगर यूनिवर्सल सेट आपको एक गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, तो एक कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह फाइंड करोगे, सी मीन कॉम्प्लीमेंट, तो आगे पास अगर एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए भी है बी भी है सी भी है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हो तो क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करोगे तो रिजल्ट में आपके साथ क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है, दस तक हैं से ए आपके पास क्या है, दो चार छः आठ दस, दो को निकालो चार छः आठ दस निकाल दो के साथ क्या रहता है, एक तीन पाँच सात नौ रहता है, तो आपके पास ये क्या है, एक तीन पाँच सात नौ, ये आपके साथ एक कंप्लीमेंट। इसे आप बी कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से आप बी को निकालो माइनस करो तो आपके साथ ये आ जाएगा, ए यूनियन बी आप कर सकते हो, ए और बी का यूनियन मतलब एक दो तीन चार पाँच छः आठ दस, सात नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः, ए यूनियन बी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ए आपके पास बी, बी में तो सात नहीं है, इन लोगों ने इसमें थोड़ा मस्ते किया हुआ है, ए यूनियन बी एक दो तीन चार पाँच छः आठ दस, एक दो तीन पाँच छः आठ दस, ये इन लोगों ने मस्टेक के साथ और नौ नहीं आए। अब ए माइनस बी से क्या मतलब, ए से आप क्या करोगे बी को माइनस करोगे, मतलब दो ए से आप बी को अगर माइनस करना है, एक क्यों नहीं लिखोगे, दो को नहीं लिख, दो तो कम है इसको नहीं लिखोगे, तीन चार पाँच, ए माइनस बी से आप छः आठ दस आता है, छः आठ दस मतलब दो और चार, ये माइनस करोगे बी वाले हैं से इसे माइनस करोगे, छः आठ दस आपके साथ आ जाएगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन सी करोगे, ए और सी में का इंटरसेक्शन में कॉमन, इसमें ए ए है ये सी, दो चार छः आठ दस, सी दो चार छः दस में इंटरसेक्शन में दोनों के एक ही से भी नहीं आता, लिहाजा इंटरसेक्शन सी आपके पास इंटरसेक्ट सी। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, देखो हमने सी कम्प्लीमेंट किस तरह निकालोगे, मतलब यूनिवर्सल सेट से आप सी को माइनस करोगे, एक तीन पाँच सात नौ, एक तीन पाँच सात नौ, यहीं से नहीं लिखोगे बाकी लिखोगे, उससे जो सेट आएगा मतलब यू माइनस सी आपके पास ए कम्प्लीमेंट है, यूनियन यू माइनस सी आपके पास सी कम्प्लीमेंट है, इससे आप इसको अगर माइनस करोगे इसका, अगर इससे यूनियन लोगे तो आपके पास सी आएगा, टोटी टोटी ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी, आप इस किसको भी फाइंड कर सकते हो ईजी। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बट देयर इज नो कंडीशन ऑन एंड बी लाइक क्वेश्चन ऑन। अब क्वेश्चन सिक्स में भी इन लोगों ने थोड़ी कंडीशन वगैरह नहीं दी है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स आप खुद इसको ट्राई करें बुक से देखें ना, ये सब ट्रेन डिग्राम वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आई थिंक सो आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा, आप लेक्चर वन में भी आपको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन की थी सारी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको खुद अंदाज़ा होता है इससे, बाकी पेन और कापी निकाल के आप इसको प्रैक्टिस का स्टार्ट करें। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत आसान है, खुद देखो इसे तो आपको समझ आएगी, मैं हज़ार मतलब एक्सप्लेन करूँ लेकिन आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।